आपको अपनी आंखों पे यकीन ना हो, शायद मुझे भी नहीं हुआ जब मुझे पहली बार इन चीजों के बारे में बताया गया। तो आप मेरे हाथ में जो ये डायरी देख रहे हैं, वैसे तो ये सारे ही प्रोडक्ट गोबर से तैयार हुए हैं, जो देसी गाय का गोबर होता है उससे तैयार हुए हैं। लेकिन मैं आपको आपको अचंभित करने के लिए कुछ चीजें पहले प्राथमिकता में दिखाना चाहूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेयरी है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल लेवल पे शाही तरीके से इसको बनाया गया है। तो आप इसको जब ऐसे खोलते हैं, तो इसको आप ऐसे खोलेंगे तो इसमें आप उर्दू के तरीके से लिख सकते हैं ऐसे। अगर आप इसको पलट के ऐसे लिखना, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप इसको संस्कृत में लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप संस्कृत में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये गाय के गोबर से बना है। और दूसरी अचंभित करने वाली बात है जो मुझे बहुत ही ज्यादा लगी है, शादी का कार्ड है जो ये देसी गाय के गोबर से तैयार हुआ है। और इसकी जो सबसे अद्भुत बात है, जो कि आप जब भी, और जो कागज बनता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये पेड़ कटते हैं उसके बाद ही कागज तैयार होता है। और इस कागज की खूबसूरती यह है कि ये गाय के गोबर से बना है। और एक खूबसूरती इसमें ऐसी है कि आप अब अचंभित हो जाएंगे, जो ये पौधा लगा रखा है इसमें, इसके अंदर बीज डाले गए हैं काफी तरीके के, जैसे नीम का, तुलसी का। अगर आप इसको यूज करने के बाद, शादी में कार्ड बांटने के बाद आप इसको गमले में दबा देंगे इस कार्ड को, तो वहां पर पेड़ उग जाएंगे। अगर आप इस डायरी को यूज करने के बाद, जब आपने इसको सारे में लिख लिया है, आप इसको अपने गमले में गाड़ दीजिए, आपको खाद डालने की जरूरत नहीं है, तो बहुत है ना कमाल की चीज। तो ऐसे ही सर के बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाना चाहूंगा। और भीमराज जी, हम जयपुर में आए थे भारत यात्रा के दौरान, तो इनसे मिले हैं और इनसे हम जानेंगे कि इसने, इन्होंने ये कैसे किया है और आगे इनकी क्या क्या स्कीम है। इनके प्रोडक्ट भी मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, और जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी भी जरूर दबा लें। किसान वीरो, हमने बहुत शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम पशुपालन की या बकरी पालन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी दोस्त इससे जुड़ना चाहता है वो इन नंबरों पे संपर्क करें। सर जी नमस्कार, और आपको ढेर सारी बधाइयां हो कि आपने इतना शानदार काम किया है। नमस्कार, जय गो माता साहब। सर मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूँ कि आप इसका आगे विस्तार कैसे करेंगे, कैसे आप भारत वर्ष में इसको फैलाएंगे, ताकि जो आपकी ये डेवलपमेंट जो आपने खोज की है, इसको देश के समर्पित किया जा सके। बिल्कुल सर, मेरी सोच इसी पे है कि ये क्यों ना मैं सबको सिखाऊं, और जो भी गौशाला से जुड़ा हुआ आदमी है या जो गौशाला चला रहा है, आज गाय जो है वो दूध से नहीं पल सकती, आज हर गाय भूखी है जी। आप उसके लिए जो है, आप उसके जो प्रोडक्ट है, जैसे गोमूत्र हुआ, गोबर हुआ, आप इससे जो कुछ डेवलप करेंगे, उससे गाय को अगर कोई अर्निंग होती है। आज हम इसके लिए, ये देखिए, आप गोबर जो लेते हैं वो 550 रुपए में एक कट्टा गोबर का खरीदते हैं जी। वो लगभग गीला गोबर में लगभग 10 से 11 रुपए केजी मेरे को पड़ता है वो जो है जी। तो आज अगर मेरे इस प्रोडक्ट में अगर 1 किलो वजन है, तो इसके अंदर 4 किलो वजन लगभग गाय के गोबर का है, यानी 40 रुपए जो है इसके अंदर गाय के गोबर का है, और वो गाय के लिए ही जाता है मेरे यहाँ से। मैं गौशाला से गोबर लेता हूँ, वो 550 रुपए में एक कट्टा, यानी कि जो आप इनसे इनकम होती है वो आप गौशाला को देते हैं जी। जी जी, यानी कि जो आप खरीदते हैं वो उसको पैसे में खरीदते हैं, ताकि, लेकिन आमतौर पे गोबर अगर हम चाहें तो फ्री में भी अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच ऐसी नहीं है बिल्कुल जो है ना। और हमने ये गाय के गोबर से कागज बनाया साहब, और उसे ये हमने सारे तरह के प्रोडक्ट तैयार किए, गाय के गोबर से ही पूरा ये कागज तैयार किया गया है, इसमें 1% कागज नहीं है, और ये पूरा सारा जैविक है ये जो है। और आप ये देखिए, इसमें हमने एक और अनोखा काम किया है कि जैसे इसमें हमने बीज डाले, बिल्कुल वनस्पतियों के इसमें बीज है, इसमें मिर्ची, टमाटर है, इसमें बैंक, ये जो अपना, यानी कि ये कैलेंडर है, जब आप इस कैलेंडर को अपने घर में रखेंगे, तो आप इसको कैलेंडर को रखें, यूज करें, यूज करने के बाद इसको आप गमले में डाल दें, अलग अलग गमलों में डाल दें, तो आपके घर पे बहुत सारे पौधे उगाएंगे। यानी कि अगर आप इसको बाहर भी कहीं फेंक देंगे ना, जहां आपको लगता है अभी पौधों की जरूरत है, तो वहां पर एक तरफ कागज से जहां पर पौधे काटे जाते थे, और यहां पर पौधे उगाए जा रहे हैं। तो सर इतना खूबसूरत काम आपने कैसे किया है, और कैसे शुरुआत होती है इस सब की? सब ये शुरुआत हुई मेरी निरंजन भाई वर्मा जी से जी। मैं जब उनसे मिला, तब मेरे को पता चला कि गाय क्या होती है और गाय का क्या अधिकार है इस दुनिया के ऊपर, इस धरती के ऊपर, और उसके क्या चमत्कार है। तो उन्हीं को देख करके और उन्हीं से मैं इंस्पायर होकर के, और मैंने मेरा काम प्रिंटिंग का है, पेपर प्रिंटिंग का, तो मैंने देखा कि अपन इसी में कागज में क्यों ना इसी काम को आगे बढ़ाया जाए, गाय को कैसे हम प्रिंटिंग से जोड़ सकते हैं, उसी खूबसूरती से आपने ये चमत्कार किया जो है, ये हमने उसे गोबर से ही बनाया। और एक कुछ चीजें मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, जो आप यहाँ पे कंडे देख पा रही हैं, ये कंडे हैं, इसके अंदर कंडे भी